हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। मैं आईटी बीएचयू से बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और मैं 15 सालों से इस फील्ड में हूँ। 15 सालों में मैंने हजारों बच्चों को आईटी और पीएमटी में सिलेक्शन दिलवाया है और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वेक्टर, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे उसके फीचर्स पढ़ रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स लास्ट क्लास में। ओके, सो फोर पॉइंट्स होंगे थे। फिफ्थ पॉइंट सभी लोग देखें। फिफ्थ पॉइंट, हाँ, सो फिफ्थ पॉइंट है इट फॉलोज एसोसिएटिव लॉ, ना? इट फॉलोज एसोसिएटिव लॉ का मतलब है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी बराबर वेक्टर ए प्लस सी प्लस वेक्टर बी एंड सो ऑन। इस तरह के इधर उधर ऑर्डर में कभी भी आप किसी को पहले जोड़ लो, फर्क नहीं पड़ता, वो रिजल्ट सेम आएगा वेक्टर को। फिर से मैं रिलेट करूँगा, मैं ये कहूँगा आपसे कि ये जो लॉ है जो आपको दिख रहा है, जो मैं लिखा हूँ, आपको नहीं लगता है कि स्केलर का भी यही है? एग्जांपल लेते हैं यार, हम कह रहे हैं 4 + 3 + 8, आप पहले इनको जोड़ लीजिए, चाहे आप पहले 3 और 8 को जोड़ लीजिए, चाहे आप पहले 4 और 8 को जोड़ लीजिए 3 को बाद में, क्या नया कोई लॉ तो है नहीं? है कोई ये नया लॉ तो है नहीं? इसका मतलब ये है कि आप किसी को भी, जब आपको चीज़ों को जोड़ना है तो आप किसी को भी पहले एसोसिएट कर लीजिए जोड़ने में, फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट विल बी सेम। तो इसका मतलब ये है कि हम किसी, जब इसको वेक्टर्स को जोड़ेंगे तो किसी भी ऑर्डर में जोड़ सकते हैं। पढ़ने का एक अपना तरीका भी होता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी, ये जो होल्ड करने का जो तरीका है ना वो अच्छा। ये मैं आपको बस जस्ट बता रहा हूँ कि स्पीच एक जो होता है ना, क्वालिटी, एक्सप्रेसिव होना बहुत एक अच्छी बात है, तो इनका अपना मायने है। यदि हम लोग फुल स्टॉप कहीं और, कॉमा कहीं और लगा दें, होल्ड कहीं और करना शुरू कर दें, ज़्यादा होल्ड कहीं और करना शुरू कर दें, चीज़ें बदल जाती हैं। अब इसको ऐसे थोड़े पढ़ा जाएगा कि ब्रैकेट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ब्रैकेट बंद प्लस वेक्टर सी वेक्टर ए प्लस वेक्टर प्लस ब्रैकेट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ब्रैकेट बंद, ऐसे ये नहीं पढ़ा जाता, बल्कि आपको होल्ड का मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ऐसे मतलब ये कि जैसे एग्जांपल मैं लेता भी हूँ कि एक्सक्लेमेशन का, फुल स्टॉप का, कॉमा का, कॉमा का मतलब आप थोड़ा होल्ड करना है, फुल स्टॉप मतलब ज़्यादा होल्ड करना है, पैराग्राफ चेंज का मतलब आप थोड़ा कुछ और भी बातचीत कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, ज़्यादा होल्ड होता है वो, क्योंकि अब एक टॉपिक चेंज हो रहा होता है। एक्सक्लेमेशन में आपको एक्सप्रेशन भी देना होता है, आपको लाउडर थोड़ा लॉन्ग ओ दिस लाइक, सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सप्रेसिव हों, सही से पढ़ें, है ना?
एग्जाम्पल भी लेता हूँ कि रोको मत जाने दो, वर्ड्स सब सेम है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, पूरा मीनिंग ही उल्टा है, बस डिपेंड कर रहा है कि हम बोल कैसे रहे हैं, इम्फेसाइज किस पे कर रहे हैं, होल्ड कहाँ कर रहे हैं। रोको मत जाने दो मतलब उसे रोक लो, जाने मत दो, रोको मत जाने दो का मतलब है उसे रोको नहीं, चले जाने दो, मीनिंग ये है। क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि वर्ड सेम है, पर और ये नहीं आपके और लाउडनेस पे पता चला, आप दौड़ के आ रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं, रुको मत जाने दो, तो जो पकड़ने वाला होगा हो सकता है वो ये समझ ले कि चोरी वोरी करके भाग रहा है, पकड़े पीट पाट भी देगा उनको। मतलब आपके आपके स्टाइल पे, आपके आपके जेस्चर पे, आपके लाउडनेस वेरिएशन होल्ड पे डिपेंड करता है वाला क्या समझेगा और क्या एक्ट करेगा, है ना। एनीवे तो हमको लगता है कि ये बताने की जरूरत नहीं, वैसे कई 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 तीन चार वेक्टर बना के जोड़ के मैं आपको दिखा सकता हूँ, रहने देते हैं, ये सब मैथ्स के भी मैथमेटिकल टूल्स है, तो ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, अगला। अच्छा ये समझ में आ गया होगा हमको लग रहा है, इसका मतलब ये था कि तीन वेक्टर हो अलग अलग डायरेक्शन में, तो किसी भी दो को पहले जोड़ के और तीसरे को आप बाद में जोड़े, कैसे भी जैसे मन वैसे, आपको जो रिजल्ट मिलेगा इनिशियल टू फाइनल वो हमेशा सेम डायरेक्शन में मिलेगा और सेम लेंथ का मिलेगा। देखने में लगेगा कि कुल अलग अलग टाइप का जुड़ गया है लेकिन मिलेगा सेम। इट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ प्रोडक्ट, राइट डाउन जल्दी। इट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ प्रोडक्ट, राइट डाउन। इट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ प्रोडक्ट, इसका मतलब यह है कि ए डॉट बी प्लस सी है, ये डॉट प्रोडक्ट है ना, और ए क्रॉस बी प्लस सी है, तो इसका मतलब अच्छा दो तरह का प्रोडक्ट होता है वेक्टर में, डॉट एंड क्रॉस, आगे पढ़ेंगे। अभी आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछना है क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स में तो हमें सब पढ़ाना होगा जो आपको आगे भी थोड़ा पढ़ना है। सो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, सिमिलरली ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। फिर से मैं ये कहूंगा ये कोई नई चीज नहीं है, ये कोई नई चीज नहीं है, ये स्केलर में होता है, बस अंतर थोड़ा सा ये है कि इसमें डायरेक्शन भी होता है और प्रोडक्ट दो तरह का है। स्केलर में प्रोडक्ट एक ही तरह का होता है और उसमें डायरेक्शन नहीं होता, पर जो स्टाइल है, जो ब्रेक करके अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करने वाला जो कैरेक्टर है वो नया नहीं है। जैसे 4 इंटू 2 प्लस 3, तो या तो यहां पे जोड़ के क्रॉस डॉट क्रॉस ले लेते, अच्छा है डिस्ट्रीब्यूट कर लो 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, 3 दो 5
चौके 20, तो क्या ये 20 नहीं होगा? ये भी 20 होगा। जानबूझ के मैं स्कॉलर से रिलेट कर रहा हूं ताकि आपको ये लगे कि वेक्टर कोई कठिन चीज नहीं है, लेकिन इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा कि डायरेक्शन को याद रखना है, नहीं तो कठिन हो जाएगा। दो बातें हैं। ओके, तो एक तो ये चीज हो गया। नेक्स्ट, अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है, फटाफट लिखिए आप लोग जल्दी से। सातवां देखते हैं। ये देखिए सातवां जल्दी से लिखिए। सातवां कैरेक्टरिस्टिक्स में जल्दी से लिखिए, व्हेन अ पॉजिटिव नंबर एन इज मल्टीप्लाइड टू अ वेक्टर, राइट डाउन, व्हेन अ पॉजिटिव नंबर एन इज मल्टीप्लाइड टू अ वेक्टर, व्हेन अ पॉजिटिव नंबर एन इज मल्टीप्लाइड टू अ वेक्टर, देन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बिकम्स एन टाइम्स। When a positive number n is multiplied to a vector, then magnitude of the vector becomes n times and direction remain same, bracket में लिख लो unchanged, and direction remain same, ब्रैकेट में लिख लो अनचेंज्ड, और आगे बढ़ा के लिख लो सिमिलरली इट होल्ड्स फॉर डिवीजन आल्सो या इट इज अप्लीकेबल फॉर डिवीजन आल्सो। चलिए मतलब समझते हैं ये है कि यदि एक वेक्टर ए है, यदि एक वेक्टर ए है तो दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड दो गुना हो जाएगा पर डायरेक्शन नहीं बदलेगा। तीन का मल्टीप्लाई करेंगे 3a, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तीन गुना हो जाएगा पर डायरेक्शन नहीं बदलेगा। यदि दो का डिवाइड करेंगे तो मैग्नीट्यूड आधा हो जाएगा पर डायरेक्शन नहीं बदलेगा। ऐसे थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो एग्जांपल ले लेता हूं। मान लेते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10, बताओ 2a का मैग्नीट्यूड कितना है? यदि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10, तो 2a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 20। 3a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 30। a बाई 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 5। और डायरेक्शन सबका सेम है। तो जब पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है पर डायरेक्शन चेंज नहीं होता। अच्छा, इस पॉजिटिव नंबर में मैं मान के चल रहा हूं कि 1 का नहीं करेंगे, 1 का कहीं भी मल्टीप्लाई या डिवाइड का मतलब नहीं होता है ना।
तो नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखिए जल्दी से। नेक्स्ट का मतलब है ये वाला बना लीजिए आप लोग, और नेक्स्ट लिखिए मतलब आठवां, जल्दी से लिखिए आठवां। When a negative number, when a negative number minus n is multiplied to a vector, write down. When a negative number minus n is multiplied to a vector, then magnitude of the vector becomes n times. Then magnitude of the vector becomes n times, and direction is reversed. And direction is reversed. It holds for division also. It holds for division also. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यदि एक वेक्टर a है, यदि एक वेक्टर a है तो ये देखो, जैसे ही माइनस वन का मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस ये माइनस ए ये होता है, माइनस टू ए, माइनस थ्री ए, ए बाई माइनस टू एंड माइनस, ऊपर लेके चले जाओ कॉमन एक ही बात है। दिस माइनस इज विथ दिस होल एक्सप्रेशन, माइनस माइनस ये है। तो इसका मतलब है कि किसी वेक्टर में जब माइनस का मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है, नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है, तो मैग्नीट्यूड चेंज तो होता है, मॉड ऑफ दैट नंबर, लेकिन डायरेक्शन भी उलट जाता है, डायरेक्शन भी। जैसे यदि मैं कहूंगा कि ए का मैग्नीट्यूड और माइनस ए का मैग्नीट्यूड सेम होगा, अच्छा माइनस टू का मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस टू का मल्टीप्लाई कर दोगे तो मैग्नीट्यूड तो दो गुना होगा, मैग्नीट्यूड तो दो गुना होगा, पर डायरेक्शन भी उलट जाएगा। देखो डायरेक्शन, इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर है वो मैग्नीट्यूड को बदलता है, और प्लस माइनस साइन उसी तरह या उल्टा कर देता है। दो स्टेप हुआ तब तो भाई, वेक्टर में जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो अब हम लोग उसको दो नजरिए से, दो पार्ट में देखेंगे। एक तो कौन सा नंबर मॉड मॉड कौन सा वाला मॉड वाला नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड है जिससे मैग्नीट्यूड बदलता है, और उस नंबर का साइन बताता है कि उसका डायरेक्शन वही रहने दें कि उल्टा कर लें। ठीक है, ओके। तो हमको लग रहा है कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। यहीं से एक और बात की शुरुआत हो जाती है, यहीं से एक और बात की शुरुआत हो जाती है। कौन से बात की? माइनस का मतलब डायरेक्शन उलट जाना तो होता ही है, माइनस का मतलब डायरेक्शन का उलट जाना तो होता ही है। यहां तक कि रियल लाइफ में या साइंस में, अदर पार्ट में, अदर एस्पेक्ट में नेगेटिव मल्टीप्लाई का है, नेगेटिव कहने का मतलब प्रोसेस तक उलट जाता है। यदि क्वांटिटी डायरेक्शनल है तो डायरेक्शन उलट जाता है, और कोई फेनोमेना है, लेन देन है, कोई प्रोसेस है, उसका डायरेक्शन भी उलट जाता है यदि माइनस लगा दे तो, है ना?
जैसे मैं आप लोगों को हमेशा हर क्लास में ये बात शेयर करता हूँ कि मैं छोटा था तो मेरे पापा मेरे से क्वेश्चन, जिस समय मैं जोड़ घटाना गुणा भाग सीख चुका था, मेरे से क्वेश्चन पूछे हो, कहे कि ये बताओ कि यदि तुम्हारे पास 10 रुपये है, यदि तुम्हारे पास 10 रुपये है और हम तुम्हें कितना दे दें कि टोटल तुम्हारे पास 8 रुपया हो जाए, है ना। वो कहे, मेरे पापा कहे कि आपके पास यदि तुम्हारे पास 10 रुपये है, टोटल 10 रुपये है, मैं तुम्हें कितना और दे दूं कि तुम्हारे पास टोटल 8 रुपये हो जाए। तो मैं तो बहुत छोटा था, मेरा थोड़ा सा दिमाग खराब हुआ, मैं ये कहा कि ये पहले बताइए कि हमारे पास 10 रुपये है और बात कर रहे हैं कि आप कितना दे दें, तो 10 से ज़्यादा होगा, ये 8 कैसे हो जाएगा, ये कम कैसे हो जाएगा, आप दे रहे हैं तो ये तो ये बढ़ना चाहिए, ये क्या हो रहा है। उस समय तो नहीं समझ में आया, लेकिन देखो कैसे समझाए वो, कहे कि देखो ये क्वेश्चन सही है, नहीं आ रहा है तुम्हें अलग बात है क्योंकि तुम्हारे लेवल का नहीं है, लेकिन तरीका मैं तुम्हें बता देता हूँ कि सीखना कैसे चाहिए, और अपना एनालिसिस, अपना ब्रेन, अपने आइडिया, अपने थॉट कैसे डेवलप करना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। चलो फिर से एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे तुम्हें आइडिया लगेगा। यदि तुम्हारे पास 10 रुपये है, मैं तुम्हें कितना रुपये और दे दूँ कि तुम्हारे पास टोटल 15 रुपये हो जाएगा। तो मैं फटाक से बता दिया कि ये 5 रुपये 10 रुपये था ही, और 5 रुपये दे देंगे तो 15 रुपये। बात ये नहीं है कि आप फटाक से जल्दी से जान गए, ज़रूरत इस बात की है कि तरीका वो कहे कि अच्छा क्या किए, कैसे निकाले। तो मैं कहा कि अरे 5 रुपया दे देंगे तो होगा, निकालना क्या है। तो कह रहे कि नहीं, निकाले कैसे, आया कैसे। तो मैं कहा कि आया कैसे क्या होता है, ये इतना आसान सा क्वेश्चन कौन पूछता है भाई, 5 रुपया दे देंगे हो जाएगा, मैं बार बार यही बोल रहा था, वो बार बार बोल रहे थे निकाले कैसे। फिर वही बताए, क्योंकि थक हार के वो समझे कि, तो देखिए साइंस के स्टेप्स देखिए, किसी भी चीज़ के इसको इंजॉय करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बताए कि देखो जो तुम किए हो नहीं बता पा रहे, हम तुम्हें बता रहे हैं, कम से कम तुम लोग भी सीख लो। दुनिया में कोई भी चीज़ कितना गेन हुआ, चाहे कितना इंक्रीज कोई पूछे, भले ही डिक्रीज हो गया हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, कोई पूछे कितना इंक्रीज हुआ है, कितना कोई चीज़ गेन हुआ है, चाहे कोई चीज़ कितना चेंज हुआ है, 3 चीज़ है, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो कर लो, तो बताओ फाइनल 15 था, इनिशियल 10 था, और यही गेन हुआ है, यही हमें मिला है, मैं पाया हूँ, हमें दिया गया है, और आंसर है 5। तो ठीक है, फिर ये तो हर जगह लगेगा। तो चलो देखते हैं, मेरे पास 10 रुपये है, हमको कोई दिया है, पता करना है हाउ मच आई एम गोइंग टू गेन, मैं कितना पाने जा रहा हूं और, ताकि 8 रुपया हो जाए। तो आपको करना तो वही है फाइनल माइनस इनिशियल, व्हाट इज फाइनल 8, व्हाट इज इनिशियल 10, माइनस कर लो, 8 में से 10 घटाओ, -2, इसका मतलब मेरे पापा हमें, मुझे -2 रुपये दिए हैं। कितना दिए हैं भाई, -2 रुपये दिए हैं। मेरा पैसा कितना बढ़ा है, -2 रुपये बढ़ा है। कितना इंक्रीज हुआ है, कितना चेंज हुआ है, -2 रुपये चेंज हुआ है। मेरा पैसा चेंज हुआ है, बढ़ा है, इंक्रीज किया है, और हाउ मच आई गेन, ये आंसर है। और एक और चीज, भले ही मैं छोटे तरीके से 3-3 ठो गिनवा रहा हूं ना,
पूरे साइंस में भरा पड़ा है ये, इस चैप्टर की और इसकी बात नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि पढ़ते समय सीखो और अप्लाई करते रहना ना। तुमको क्या लग रहा है केवल वेक्टर पढ़ा रहा हूं? ये जो पढ़ा रहा हूं ये वेक्टर है केवल? ये वो बातें हैं जो वेक्टर में ही बोल दूंगा हाउ मच चेंज। वेक्टर को कह दूंगा 30 डिग्री घुमा दिया, हाउ मच चेंज। तो तुम्हारा ब्रेन काम करना चाहिए कि सर बताए हैं कि चेंज तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, चाहे वो वेक्टर हो, मास हो, वेलोसिटी हो, फोर्स हो, पैसा हो, रुपया हो। मैं हूं चेंज इन ब्रिजेस, फाइनल ब्रिजेस माइनस इनिशियल ब्रिजेस। अब इनिशियल फाइनल किस टाइम पे मानते हैं ये और बात है। तो हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब सुनो जरा माइनस का मतलब प्रोसेस में। मेरे पास 10 रुपए था, मेरे पापा ने -2 रुपए दिया, तो -2 रुपए देना ये कभी सुने नहीं होंगे। मॉड ऑफ दैट एंड प्रोसेस इज रिवर्स्ड। 2 रुपए, -2 रुपए नहीं, 2 रुपए की जो बात है वो हमें लिया नहीं गया, रिवर्स है, उल्टा हुआ है। मॉड ऑफ दैट मतलब दैट मॉड ऑफ दैट मच अमाउंट इज रिवर्स इन प्रोसेस फॉर दैट केस बिकॉज ऑफ माइनस। तो इसका मतलब मेरे पापा ने हमें 2 रुपए दिया नहीं, वो तो -2 रुपए दिए हैं, मतलब 2 रुपए ले लिए हैं। 10 रुपए था, 2 रुपए ले लिए हैं। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आया? और इस तरह की बातें हीट में, थर्मोडायनामिक्स में, हीट में, थर्मोडायनामिक्स में, कैलोरीमेट्री में देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा ये बातें, है ना। तो ये इस बात का ख्याल रखिएगा, ये कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। ये भी मैं बोलता हूं कि जाके आप लोग घर पे बोल भी सकते हैं अपने पापा को कि पापा हम आपको कुछ देना चाहते हैं। तो आपके पापा बोलेंगे कि अभी तक तो निकम्मा कुछ दिया नहीं, कुछ कमाया नहीं, हाँ चलो भाई आज कुछ दे दो। तो कहना कि पापा मैं आपको -5,000 रुपये देना चाहता हूँ, -5,000 रुपये। -5,000 देने का मतलब है आप लेना चाहते हैं, -5,000 देने का मतलब है आप 5,000 लेना चाहते हैं। आपका पैसा 100 रुपए कहीं गिर गया, पैसा आपका 100 रुपए गिर गया, तो आप ये कहिए कि आप -100 रुपए पाए हैं। -100 रुपए पाने का मतलब ही है कि आपका 100 रुपए गिर गया। लेकिन जो ये दिल है ना, उसको बस अच्छा यही लगता है कि ये कुछ पाया है, खोया नहीं है ये। इसका मतलब दुनिया में जो कुछ भी खोने वाली बात है अच्छी, उसको माइनस लगा के पाए जाने की बात आप कर सकते हैं। ये 3 इडियट्स मूवी देखे होंगे, उसमें इस तरह की बात है, ओ भैया ऑल इज वेल गाना सुने होंगे। आमिर खान इसको ब्रीफली बताता है कि किस तरीके से गार्ड घूम रहा है और लोग चैन की, सुकून की नींद सो जाते हैं, क्योंकि उसे बस इस दिल को चाहिए कि कोई देख रेख करने वाला है, भले ही वो कैपेबल ना हो। तो आपके लिए भी है, ये बड़ा सा मैसेज है आपके लिए कि आप माइनस लगा के गेन या अचीव कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कहीं मार खा गए हैं, आप गए हैं, कोई एक घुसा एक घुसा मार दिया है आपको, तो आप कहिए कि -1 घुसा मार के आए हैं। ये दिल है बस यही सुनना चाहता है कि आप मारे हैं, बल्कि कोई और आपको नहीं मारा है। -1 घुसा कहीं मारने का मतलब होता है 1 घुसा मरा के आना। तो एनीवे,
हमको लगता है कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे, और यदि एक दो क्वेश्चन इसे यदि इस पे बात करें कि वो कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लाई करने से आप लोग, चलिए थोड़ा हमसे जुड़िए, क्वेश्चन पूछ लेता हूं, वो कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लाई करने से न वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदलता है न उसका डायरेक्शन बदलता है, कौन सा नंबर है बताइए बताइए, कौन सा नंबर है जिसके मल्टीप्लाई करने से न वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदलता है न वेक्टर का डायरेक्शन बदलता है, फटाफट आंसर करो। आंसर है वन। वन का मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से न वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदलता है न डायरेक्शन। और सच तो यह है कि दुनिया में कहीं पे भी वन का मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं होता है, यही नहीं स्केलर में भी होता है। अच्छा हाँ, एक और है क्वेश्चन है, किसी वेक्टर में क्या चीज मल्टीप्लाई करें ताकि उसका मैग्नीट्यूड तो बदल जाए पर डायरेक्शन न बदले, बताइए, रिप्लाई फास्ट। किसी वेक्टर में कैसा नंबर मल्टीप्लाई करें, क्या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें ताकि उसका मैग्नीट्यूड तो बदल जाए पर डायरेक्शन न बदले, रिप्लाई फास्ट। आंसर है एनी पॉजिटिव नंबर एक्सेप्ट वन। वन को छोड़ के, आप लोग भूल गए, क्वेश्चन सुनो, मैग्नीट्यूड बदले पर डायरेक्शन न बदले, वन को छोड़ना होगा नहीं तो मैग्नीट्यूड भी नहीं बदलेगा। सो आंसर है एनी पॉजिटिव नंबर, आंसर है एनी पॉजिटिव नंबर एक्सेप्ट वन, वन को छोड़ के। अगला क्वेश्चन है उल्टा इस बार, किसी वेक्टर में कैसा नंबर या कैसा क्वांटिटी स्केलर या नंबर मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें ताकि मैग्नीट्यूड न बदले डायरेक्शन बदल जाए, चलिए, मैग्नीट्यूड न बदले पर डायरेक्शन बदल जाए, जल्दी। आंसर है माइनस वन। इस बार अंतिम क्वेश्चन, लास्ट, एक वेक्टर में कैसा नंबर मल्टीप्लाई करें ताकि मैग्नीट्यूड भी बदल जाए और डायरेक्शन भी बदल जाए, जल्दी, कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। एनी नेगेटिव नंबर एक्सेप्ट माइनस वन, माइनस वन को बाहर करना होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड भी बदलना है डायरेक्शन भी, तो माइनस लगाते ही डायरेक्शन तो बदल गया होगा लेकिन वन को निकालना होगा क्योंकि माइनस लगाते ही डायरेक्शन तो बदल गया होगा लेकिन माइनस वन निकालना है क्योंकि माइनस वन होगा तो मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, जबकि मैग्नीट्यूड भी बदलना है और डायरेक्शन भी, माइनस वन रहेगा तो माइनस वन के केस में डायरेक्शन तो चेंज होता है पर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। चलिए, तो हमको लगता है कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे, और हम लोगों का जो वेक्टर के प्रति जो हमारा एक नज़रिया था एक बढ़िया हो गया कि वेक्टर क्या होता है ना। अब हमारे पास रह गया टाइप्स ऑफ वेक्टर, फटाफट आज खत्म करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, चलिए चलो जल्दी से लिखो, तो जाइए भाई सभी लिखो, सभी लोग लिखो टाइप्स ऑफ वेक्टर। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आप लोग मैथ्स में पढ़िएगा, अब ऐसा नहीं कि पूरा मैथ्स वाली चीज़ें मैं अभी पढ़ा दूं और ना ही कहीं भी ज़रूरत है, बल्कि उसमें ज़्यादा एप्लीकेशन किसका है वो देखेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी लिखते हैं पैरेलल वेक्टर्स, पहला जल्दी से लिखिए पैरेलल वेक्टर्स, फर्स्ट पहला लिखो पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स लिखो टाइप्स में।
पैरेलल वेक्टर्स, मैं उन वेक्टर की ज़्यादा चर्चा करूँगा जो हमारे फिजिक्स में ज़रूरत होगी, चाहे कहीं भी साइंस में ज़रूरत होगी, बल्कि उनका तो चर्चा करना भी मैं पसंद नहीं करूँगा जो फालतू में डिफाइन किया गया होगा, जिसका ज़्यादा कुछ मतलब नहीं होगा। जैसे क्वांटिटी में याद होगा कि टेंसर और रेशियो पढ़े थे, जिसका ज़्यादा मतलब नहीं होता। तो उसी तरीके से कॉन्करेंट वेक्टर को कोइनिशियल वेक्टर और पता नहीं बहुत सारे वेक्टर्स हैं, ज़ीरो वेक्टर, नल वेक्टर, पता नहीं है ना, कोई ज़रूरत नहीं है। मैथ्स में भी ज़रूरत नहीं, कहीं ज़रूरत नहीं है। जो ज़रूरत है वो हम लोग पढ़ेंगे, पैरेलल वेक्टर्स ज़रूरत है। जल्दी से लिखिए पैरेलल वेक्टर्स। Vectors having same direction are known as parallel vectors. Write down it. Vectors having same direction are known as parallel vectors. Magnitude same हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। So ये देखिए parallel vectors, ये है A और ये है B। बना लो फोटो, चलो फोटो बनाओ। डायरेक्शन सेम है। पैरेलल वेक्टर्स, वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन आर नोन एज पैरेलल वेक्टर्स। मतलब मैग्नीट्यूड बराबर हो या न हो, यदि डायरेक्शन सेम है तो उन्हें हम लोग पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। ओके, जल्दी से दूसरा लिखो। एंटी पैरेलल वेक्टर्स अपने से लिख लो यार। वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन आर नोन एज एंटी पैरेलल वेक्टर्स। राइट डाउन इट। वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन आर नोन एज एंटी वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन आर नोन एज एंटी पैरेलल वेक्टर्स। हाँ, ये रहा ए और ये रहा, हाँ ये, मैग्नीट्यूड बराबर हो या ना हो, मैग्नीट्यूड बराबर हो या ना हो, मैग्नीट्यूड बराबर हो या ना हो, डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए। एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो गया। दूसरा, थर्ड वन नेक्स्ट कोलीनियर वेक्टर। नेक्स्ट कोलीनियर वेक्टर, कोलीनियर वेक्टर, वेक्टर्स अलोंग सेम लाइन आर नोन एज कोलीनियर वेक्टर्स। राइट डाउन इट। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट, अब सब चैप्टर शुरू, मतलब पार्ट शुरू हो रहा है। और ये सब जानते हुए सब क्यों जानना जरूरी है? मैं तो कहता हूं कि बुक वाले, चाहे एग्जाम में, चाहे टीचर्स जो पढ़ाते हैं, वो चीज़ें इतना डिटेल में या फिर क्वेश्चन नहीं बनाते हैं। बुक में भी मैं देखना कैसा क्वेश्चन बनाऊंगा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पर। जब ये नहीं जानोगे तो स्पीड बढ़ रहा है कि घट रहा है कि क्या एक्सेलरेशन है, तुम छोड़ो। ढेर सारे टीचर्स को नहीं आता ये वाला, ठीक है? कोलिनियर तो आता है पर वो वहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाते। इसीलिए मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ताकि हम लोग अप्लाई करना भी सीख जाएं, क्योंकि हमें ये ज़रूरी है वहाँ पे, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फिजिक्स में चलेगा। कोलिनियर वेक्टर्स, वेक्टर्स अलोंग सेम लाइन, वेक्टर्स अलोंग सेम लाइन आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर्स। वेक्टर्स अलोंग सेम लाइन, वेक्टर्स अलोंग सेम लाइन, दिस इज ए,
दिस इज बी, दिस इज बी, दिस इज ए, सेम डायरेक्शन तो भी एक लाइन और अपोजिट डायरेक्शन तो भी एक लाइन, इसका मतलब पैरेलल और एंटी पैरेलल बोथ बोथ फॉर्म कलेक्टिवली नोन एज कोलिनियर वेक्टर्स। पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स। व्हाट इज कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी? दिस इज कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, दिस इज कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, दिस इज कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। के पॉजिटिव मीन्स पैरेलल ए एंड बी आर पैरेलल, के नेगेटिव मीन्स ए एंड बी आर एंटी पैरेलल। हाँ, यदि ए को बी, ए और बी ऐसे लिखे जाएं, ए बराबर सम कांस्टेंट बी, इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिटेन इन दिस फॉर्म देन दे आर कोलिनियर। यदि कोलिनियर है तो ऐसे लिख सकते हो, यदि लिखे जा चुके हैं तो वो कोलिनियर हैं। यदि ये कांस्टेंट प्लस है तो पैरेलल है, और यदि ये माइनस है तो एंटी पैरेलल है, और दोनों ही एक लाइन के लॉन्ग होते हैं, दोनों ही एक लाइन के लॉन्ग होते हैं। जब पैरेलल होगा तो जीरो वेक्टर, जीरो एंगल होगा, जब एंटी पैरेलल होगा तो 180 डिग्री होगा, और दोनों ही एक लाइन के लॉन्ग ही माने जाते हैं। मतलब पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स, जो इससे पहले दो तरह के वेक्टर पढ़े, उन दोनों को मिला के कोलिनियर भी कह सकते हैं, दोनों कोलिनियर में आते हैं। और फिर से, यदि वेक्टर ऐसे a बराबर 2b, a बराबर डेढ़ बी, a बराबर माइनस 3b, ऐसे a बराबर b बाई 10, यदि ऐसे लिखे जा चुके हों कहीं पे, तो a और b कोलिनियर हैं। और यदि कोलिनियर हैं, कोलिनियर हैं, मतलब पैरेलल एंटी पैरेलल हैं, तो ऐसे लिखे जा सकते हैं। कुछ और बातें सुन लो तब और बात कर लेते हैं। अभी फिलहाल दिमाग में बिठा लो बस ना, यदि इसके लिए एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के और b x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k। अब ये मत कहना सर ये सब क्या लिख रहे हैं, बिना पूछे बस मान लो कि एक्स वाई जेड में कंपोनेंट के फॉर्म में ये है, बस लिख लो। आगे तो पढ़ना ही है, तो कुछ चीजें आगे वाले भी यहां पे चली आ रही हैं, क्योंकि अब पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही लेते हैं। इसके लिए क्या जरूरी है, तभी ये वेक्टर कोलिनियर होंगे। एक तो ये भी फॉर्म है, और कंपोनेंट फॉर्म में कोलिनियर तब होंगे जब एक्स वन बाई एक्स टू होगा बराबर वाई वन बाई वाई टू होगा बराबर जेड वन बाई जेड टू होगा। जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो तो जरा।
बस लिख लो, पूछना मत, अभी पूछना मत, बस लिख लो। क्यों पूछना मत? क्योंकि कहोगे सर ये सब क्या लिखे हैं, तो मैं कहूँगा कि आगे पढ़ेंगे, और जब आगे पढ़ लेंगे तो इस बात का ख्याल रखना कि कंपोनेंट का रेशियो, एक्स कंपोनेंट का रेशियो बराबर वाई कंपोनेंट का रेशियो बराबर जेड कंपोनेंट का रेशियो जब सेम होगा, तीनों का सेम होना होगा, यदि कोई एक भी गड़बड़ाया, कोलिनियर वेक्टर्स नहीं होंगे वो। K0 का मतलब बताया था, K0 होते ही वो जीरो वेक्टर हो जाएगा, B वाला वो इतना बदल जाएगा कि मीनिंगलेस होने लगेगा, जो हमारे साइंस में ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैं अभी डिफाइन करने वाला हूँ कि व्हाट इज़ जीरो वेक्टर एंड व्हाट इज़ नल वेक्टर, और उससे पहले ही इतना ज़्यादा कूदने लगते हो तुम लोग कि जो पढ़ाता हूँ वो सीखना छोड़ देते हो। तो टेक्स्ट और इस लाइव सेशन का ये मतलब नहीं है कि फोकस तुम अपना गड़बड़ा दो। अरे ये तो पढ़ लो यार, जीरो मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? तो क्या तुम्हें नहीं मालूम है कि जीरो मल्टीप्लाई करने पे दुनिया की सारी चीज़ें जीरो ही हो जाती हैं, तो कोई मतलब नहीं होता उसका? क्या ज़रूरत है यार, कहीं जीरो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई साइंस में, वो तो मैथ्स वाले हैं जो जीरो फैक्टोरियल, जीरो इंटू, जीरो डिवीजन, जीरो दिस दैट करते रहते हैं, खूब रिसर्च चल रहा है मैथमेटिक्स में, नेचुरल साइंस में ज़रूरत नहीं है भाई। तो हमें फिजिक्स पढ़ाने दो, मैं यदि मैथ्स पढ़ाने लगूंगा तो फिजिक्स रुक जाएगा ना, ठीक है? तो ये जो रिसर्च है नंबर गेम वाला, वो मैथ्स में देखना यार। यहाँ पे तो मैं वैसे थोड़ा बहुत बता भी देता हूँ यार तुम लोगों को, आप लोग कोलिनियर समझे, और ये पूछना नहीं है कि सर ये क्या है, आगे आ जाएगा, ठीक है? हाँ, बस हम लोग को ये ध्यान देना है, ये ध्यान देना है और ये ध्यान देना है। हाँ, आगे बढ़िए, जल्दी लिखिए। तो को प्लानर, अच्छा को मतलब एक ही सेम, नया नया वर्ड तो है नहीं कि आप लोग नहीं समझ रहे होगे। को लीनियर मतलब एक लाइन के लॉन्ग, को प्लानर मतलब एक प्लेन में, को स्पेस मतलब एक जगह, को इनिशियल मतलब एक जगह से शुरुआत होना, कॉन्करेंट मतलब कॉन्करेंट मतलब एक ही जगह टर्मिनेट होने वाला, है ना? को ओरिजिनेट मतलब एक ही जगह से ओरिजिनेट होने वाला। सो को प्लानर मतलब एक ही प्लेन में, और एक प्लेन का मतलब है कि दो नहीं, एक नहीं, तीन वेक्टर से शुरुआत होगी। सो लिखो, थ्री और मोर देन थ्री वेक्टर्स, राइट डाउन जल्दी, थ्री और मोर देन थ्री वेक्टर्स इन सेम प्लेन, थ्री और मोर देन थ्री वेक्टर्स इन सेम प्लेन आर नोन एज को प्लानर वेक्टर्स। थ्री और मोर देन थ्री वेक्टर्स इन सेम प्लेन आर नोन एज को प्लानर वेक्टर्स। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्वेश्चन ये उठता है कि तीन क्यों, दो क्यों नहीं, एक क्यों नहीं? चलिए ध्यान से, सभी लोग ध्यान से देखें, एक वेक्टर का अपना प्लेन तो होता ही है। देखो एक वेक्टर से कितने प्लेन जा सकते हैं, एक प्लेन से, एक वेक्टर से कितने प्लेन, इनफाइनाइट प्लेन। ये देखो दो वेक्टर, दो वेक्टर दिख रहा है, दो वेक्टर, दो वेक्टर का अपना प्लेन होता है, हमेशा दो वेक्टर एक प्लेन में होते हैं। देखो ये समझ में आ रहा है, ये देखो दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में होते हैं, इमेजिन कर पा रहे हो? दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में होते हैं, दो वेक्टर का अपना कॉमन प्लेन होता है। तो शुरुआत तो तब तीन वेक्टर से होगी, इसका मतलब ये कि यदि यदि इनका प्लेन ले लिए, इन दो वेक्टर का प्लेन ले लिए तो ये बाहर हो जाएगा, इनका प्लेन ले लिए तो एक ये बाहर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को?
समझ में आ रहा है? मैं ये कर रहा हूँ कि मैं ये प्लेन ले लूँगा, इन दोनों का प्लेन ले लूँगा तो ये बाहर हो जाएगा, इनका प्लेन ले लूँगा तो ये बाहर हो जाएगा, यदि इनका प्लेन ले लूँगा तो ये, समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन ये है कि यदि दो वेक्टर एक प्लेन में हैं, दो वेक्टर, यदि तीसरा भी उसी प्लेन में हो, तीसरा भी उसी प्लेन में हो, तीसरा भी उसी प्लेन में हो, तो ठीक है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? यहां पे बल्कि ज्यादा समझ में आएगा। देखो ये ए है, ये देखो बी है, तो बताओ ए और बी इसी प्लेन में है कि नहीं, बोर्ड के प्लेन में है। यदि मैं सी को बोर्ड से बाहर कर दूं ऐसे, तो तीनों वेक्टर सेम प्लेन में नहीं होंगे, पर इसी प्लेन में सी कर दूं, इसी प्लेन में, चाहे ए हो बी हो और इसी प्लेन में सी कर दूं, तीनों बोर्ड के प्लेन में हैं, और यदि मैं ऐसे कर दिया तो, बाहर कर दिया तो, अब एक प्लेन में नहीं है, पर दो तो एक प्लेन में ही होते हैं यार हमेशा, इसलिए इसलिए कंडीशन, अब मैं बताने जा रहा हूं कंडीशन, हालांकि मैथ्स का पॉइंट है ये, कंडीशन ऑफ कोप्लैनरिटी लिखो, जैसे कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी था वैसे ही कंडीशन ऑफ कोप्लैनरिटी लिखो, लिखो कंडीशन ऑफ कोप्लैनरिटी। व्हाट इज कंडीशन ऑफ कोप्लैनरिटी? कंडीशन ऑफ कोप्लैनरिटी, ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर जीरो, ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर जीरो, ये कहां से आया है पूछना नहीं है, क्योंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे, बस डिफाइन करना है तो कर लिया, कंडीशन बताना है बता दिया, इसका मतलब क्या है और क्यों जीरो होगा तो कोप्लैनर होगा, ये कहां सीखेंगे आगे, पर टाइप्स में तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना? तो सभी लोग इसको लिख लीजिए, दिस इज कंडीशन ऑफ कोप्लैनरिटी। यदि ऐसा है तो तीनों वेक्टर कोप्लैनर होंगे, यदि दो तीनों वेक्टर कोप्लैनर हैं तो ऐसा होगा। इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई, इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई है ये। तो चलिए, हम लोग काफी कुछ आज पढ़ लिए, सीखे, केवल वेक्टर नहीं चल रहा है यार, बहुत कुछ सीख रहे हैं साथ ही में, कई चीजें सीख रहे हैं। ये भी बताया था कि कोलिनियरिटी कैसे यूज करेंगे वो देखेंगे बाद में। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन, कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।